आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में हमें सेल पोटेंशियल निकालना है जो कि हमें इसमें गिवन है कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है सीडी से सीटी टू प्लस और एच प्लस से एच प्लस का रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो ये दे रखा है हमें, तो अब देखें। और हमें ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, सीडी के लिए दे रखी है कैडमियम से कैडमियम तक टू प्लस से कैडमियम, और आर की वैल्यू और एफ की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। पहले तो हमें नेक्स्ट इक्वेशन पता होती है, सबसे पहले हम इसकी सेल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो जो कैडमियम है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो कैडमियम का कर लिया हमने ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बचा, जो H प्लस है इसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। तो H प्लस से बना H2, तो इसमें दो, अब देखो इसको बैलेंस कर लेंगे ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ओवरऑल इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, ओवरऑल हो जाएगी कैडमियम प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोलर दे रखी, सॉरी 0.2 मोलर है, 0.2 नहीं है, 0.2 मोलर हमें दे रखी है। ठीक है, और इस राइट साइड में क्या होगा, कैडमियम 2 प्लस जिसका दे रखा है हमें 0.1 मोलर प्लस एच टू, एच टू भी दे रखी है 0.5 एटीएम। ठीक है, अब देखो अब इसका हम ई नॉट निकाल लेते हैं, इस सेल का ई नॉट हम निकाल सकते हैं इजिली। तो ई नॉट, ई नॉट बराबर क्या होता है, यहाँ पे कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, तो कैथोड पे क्या है, जिसका रिडक्शन होता है, तो इसका एच टू का रिडक्शन हो रहा है उसका तो जीरो है। एनोड का क्या दे रखा है हमें, माइनस 0.403 वोल्ट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्लस 403, प्लस 0.403 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो अब लगाते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, वो क्या होती है, ई बराबर, ई सेल के इसके बराबर होता है ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, यहाँ पे लॉग ऑफ राइट साइड में क्या है, कैडमियम 2 प्लस है, और हमारा पार्शियल प्रेशर आएगा एच टू का, जो एच टू ये रखी गैस के फॉर्म में, तो पार्शियल प्रेशर लिखते हैं इसके, और ये कैडमियम है और यहाँ H प्लस। अब H प्लस दो है तो मतलब कि स्क्वायर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अब हमें सबकी वैल्यू पता है, हम वैल्यू डाल देते हैं इसमें। तो E नॉट की वैल्यू हमने 0.403 निकाल ही लिया, माइनस 2.303 R की वैल्यू दे रखी है 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन। अब N की वैल्यू कैसे, हम दिखाते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकले, दो दो इलेक्ट्रॉन थे तो दो इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों आ जाइए। F की वैल्यू पता है 96500, लॉग ऑफ कैडमियम 0.1 दे रखा है, इसका 0.5 दे रखा है, ठीक है, इसका तो 1 होगा। अब ये हाइड्रोजन के तब 0.2 दे रखा है, बट इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 0.403 है, ये वाला पार्ट आ जाएगा 0.003, तो जो ई सेल की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.40 वोल्ट। तो फाइनली जो हमारा ई सेल आ गया वो आ गया 0.40 वोल्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।